Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का लेटेस्ट इलाज जो हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, और इसमें जो हम लेंस डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन लेंस जिसका नाम है विविटी लेंस। विविटी लेंस का फ़ायदा ये होता है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को चश्मा पहनने की ज़रूरत ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो इस लेंस के एडवांटेज से, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज से, हम पेशेंट की दूर की नज़र बिल्कुल बढ़िया कर देते हैं बिना चश्मे के, बीच की नज़र बिल्कुल बढ़िया कर देते हैं बिना चश्मे के, और कुछ हद तक पेशेंट को नियर का भी कम्फर्ट मिल जाता है। लेकिन ऑफकोर्स पेशेंट को नियर का बिल्कुल परफेक्ट देखना है तो थोड़ा सा 1.5 नंबर का चश्मा पहनना पड़ेगा। बेसिकली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्चुअली पर्पस क्या है, क्यों इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा गया। देखिए, इससे पहले जो ऑपरेशन होते थे वो हाथों से होते थे, एक सर्जन अपने हाथों का स्किल यूज़ करके ऑपरेशन को करता था। लेकिन किसी भी डॉक्टर या किसी भी सर्जन का हाथ, कितना भी एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, 100% नहीं हो सकता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करा गया था कि जहाँ पे भी डॉक्टर के हाथों से कमियाँ हो सकती हैं वो सारी कमियाँ मशीन के द्वारा हम पूरी कर देते हैं। तो अब पेशेंट हमारा रेडी है। ये ऑपरेशन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो मेन स्टेप होता है, इस मशीन से हम मोतियाबिंद को बिल्कुल काट के घोल देंगे, और फिर दूसरी ओटी में जाके हम लोग पेशेंट की आंख में दुनिया का सबसे बेहतरीन लेंस विविटी लेंस को डाला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाता हूँ ये ऑपरेशन होता कैसे है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो आपको दिखेगा कि 3 से 4 मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इस ऑपरेशन में करीब 7-8 मशीनों का इस्तेमाल होता है। कुछ मशीनें ऑपरेशन थिएटर से बाहर होती है जहाँ पर हम सारी प्लानिंग करते हैं ऑपरेशन की, और बाकी मशीनें ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है जहाँ पे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करा जाता है। तो अभी हम पेशेंट को रेडी कर रहे हैं। पेशेंट की आंख में हमने एक स्टराइल ड्रेप लगा दिया है। स्टराइल ड्रेप और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसी भी तरह की पेशेंट की आंख में इन्फेक्शन ना हो। सो हाइजीन, क्लीनिनेस एंड स्टेरिलिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस ऑपरेशन की खासियत भी ये है कि इस ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। पूरा ऑपरेशन सिर्फ आंखों में ड्रॉप्स डाल के कर दिया जाता है, और इस ऑपरेशन का टाइम लगभग 10 से 15 मिनट होता है, और इसमें पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस रहता है और कोई भी तरह का उसको दर्द नहीं होता। ऐसे ही ऊपर एक सफ़ेद लाइट है, उसको देखते रहेंगे। शाबाश, बहुत ही अच्छा करा रहे हैं, बस ऐसे देखते रहेंगे। तो ये जो मशीन है इसको हम आंख के ऊपर डॉक करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम लोग सारा प्लानिंग इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है मैम, ऐसे देखते रहेंगे, शाबाश। सक्षम, शाबाश, बस हिलना नहीं है आप। तो अब आप ये देख रहे हैं कि पेशेंट की आंख में मशीन डॉक हो चुकी है, और अब हम सारा प्लानिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। अब मैं दिखाता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्यूटी। अब मैंने बस एक बटन दबाया और मशीन ने सारा कुछ अपने आप ही सेट कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं मशीन हमें बता रही है कि कहाँ पे किस तरह से कटिंग करी जाएगी, और मैं इसको एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। एंड अगेन देखिए, मशीन हमें बता रही है कि लेंस को कहाँ पे काटा जाएगा, और मैं इसको एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। और बस अब हम रेडी हैं, अब हम लेज़र को फायर करेंगे और मोतियाबिंद को घोल देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, लेज़र चल रहा है और मोतियाबिंद को ये काट रहा है और घोले जा रहा है। तो अभी सबसे पहले लेज़र ने आँख में एक ओपनिंग बनाई है जहाँ से मोतियाबिंद को निकाला जाएगा, और अब मैं आपको दिखाऊंगा लेज़र इसको कैसे काटे जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये लेज़र मोतियाबिंद को काट रहा है, घोल रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, और पूरा ये मैश कर देगा मोतियाबिंद को, और बस हम सक्शन से अब इसको बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह पर एक नया लेंस डाल देंगे। तो पहला स्टेप हमारा बहुत बढ़िया हो गया है, पेशेंट ने बहुत कोऑपरेट भी करा,
एंड अब हम बस दूसरी ओटी में जाके आंख में लेंस डालेंगे। मैम कोई दर्द तो नहीं हुआ? शाबाश, बहुत अच्छा करा रहे हैं आप। अब हम आ गए हैं ओटी नंबर टू में एंड यहाँ पे हमने जो मोतियाबिंद लेज़र से घोला था उसको निकाला जाएगा और उसकी जगह पर एक नए लेंस को डाला जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब यहाँ पे दो और मशीनों का यूज़ होता है। सबसे पहली मशीन होती है जिसको हम कहते हैं सेंचुरियन मशीन एंड दूसरी मशीन होती है जिसको हम कहते हैं वेरियन मशीन। तो इन दोनों मशीनों के हेल्प से हम लेंस को अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्टली इम्प्लांट कर पाते हैं जिससे पेशेंट की विजन जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये ऑपरेशन अब आगे हम कैसे करते हैं और इस बारे में आपको ऑपरेशन में माइक्रोस्कोप का व्यू दिखा रहा हूँ कि जो हम एक सर्जन देखता है पेशेंट की आंख में वो व्यू भी दिखाऊंगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर सकें कि इस ऑपरेशन को करा कैसे जाता है। तो अब आप सबसे पहले देख रहे हैं कि हम पेशेंट को दोबारा से क्लीन करेंगे। बेसिकली इतना सारा क्लीनिनेस का ध्यान इसलिए रखा जाता है कि आँख में किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गई आँख में तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो हर चीज़ का क्लीनिनेस का प्रॉपर स्टरलाइजेशन, एंटीसेप्टिक यूजेज, एंटीबायोटिक्स, हर चीज़ का प्रॉपरली इस्तेमाल करा जाता है ताकि किसी भी तरह की ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन ना हो। और अब हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। पेशेंट को बस ड्रेप कर रहे हैं नई शीट के साथ और फिर मैं आपको एक एक स्टेप ऑपरेशन का भी दिखाता हूँ। सो जैसे अब पेशेंट का सारा ड्रेप चेंज होता है ऐसे ही सर्जन का भी सारा ड्रेप चेंज होता है। अगेन सारा पर्पज यही है कि किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो। एंड फिर से हाथों को एक बार स्टराइल कर लिया स्टरीलियम सॉल्यूशन से एंड अब हम ऑपरेशन थिएटर के लिए प्रोसीड करने के लिए रेडी हैं। तो अब मैं आपको माइक्रोस्कोप का व्यू दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं लेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से लेजर से कट चुका है और अब इस लेंस को बाहर निकाल के इसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल। तो सबसे पहले मैं एक इंस्ट्रूमेंट से आंख के अंदर जा रहा हूँ जिससे मैंने लेंस के ऊपर की जो झिल्ली होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं उसको पकड़ के निकाल लिया। अब मैं एक और इंस्ट्रूमेंट से आंख के अंदर जा रहा हूँ और लेंस को पानी के फ्लो के हेल्प से हम नीचे वाला जो कैप्सूल है उससे लूज कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रो डाइसेक्शन एंड हाइड्रो डिलिनेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है इस लेंस को निकालना। तो सबसे पहले मैं आँख में थोड़ा सा विस्को इलास्टिक सोल्यूशन और डाल रहा हूँ ताकि जो आँख का चैम्बर है वो फुल रहे और आँख पिचके ना। तो अब मैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन नीडल कहते हैं इससे आंख के अंदर एंटर करूंगा और सबसे पहले जो लेज़र ने लेंस को अलग अलग हिस्सों में काटा है उन हिस्सों को खोल खोल के मैं अलग करूंगा। तो थोड़ा सा हम ये बबल्स वगैरह पहले हटा लेते हैं जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाए। एंड अब सबसे पहले मैं फर्स्ट पीस को पकड़ूंगा। तो थोड़ा सा सेट कर लिया, बबल्स को थोड़ा सा और निकाल लिया, बस ऐसे देखते रहेंगे। फर्स्ट पीस पकड़ा और मैंने इसको सेपरेट कर दिया। तो ये एक पीस सेपरेट हो गया। फिर लेंस को घुमाया, फिर नेक्स्ट पीस को पकड़ेंगे और इसको खोल दिया जहाँ पे लेज़र ने काटा था। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट पीस भी बहुत बढ़िया तरीके से खुल गया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पीस को पकड़ा, उसको भी थोड़ा सा आराम से खोल दिया। मैम जोर मत लगाइए प्लीज़, दोनों आंखें खोल के रखिए, शाबाश बहुत अच्छा चल रहा है। फिर नेक्स्ट पीस को पकड़ा और उसको खोल दिया।
फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट पीस को पकड़ा और उसको खोल दिया, फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट पीस को पकड़ा एंड इसको हमने खोल दिया, फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट पीस को पकड़ा एंड खोल दिया। एंड अब एक एक करके मैं इन पीसेस को सक्शन से निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले पीस को निकाल दिया इमल्सिफिकेशन एंड सक्शन से, फिर दूसरा पीस पकड़ा, मैम जोर मत लगाइए प्लीज, हाँ आराम से देखिए, नेक्स्ट पीस पकड़ा और इसको निकाल के सक आउट कर दिया, और आगे बढ़े, नेक्स्ट पीस को पकड़ा और सक आउट कर दिया, और आगे बढ़े, नेक्स्ट पीस पकड़ा एंड सक आउट कर लिया। बहुत अच्छा करा रहे हैं, बस हिलेंगे नहीं। इस मूवमेंट में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पीस हमने पकड़ा, निकाल लिया और कुछ लेंस का हिस्सा जो पीसेस में डिवाइड नहीं हुआ था उसको भी हमने निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं कि काफी क्लियर हो गया है, लेकिन 100% क्लियर नहीं है, अभी सब कुछ नहीं निकला। तो अब हम दो और इंस्ट्रूमेंट से अंदर जाएंगे और इसको भी निकाल देंगे। तो अगेन सबसे पहले थोड़ा सा विस्को भर दिया ताकि हमारी आंख पिचके ना। एंड अब दो इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम IOP 45 रखना, हाँ दे दो। एंड अब दो इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम इरिगेशन एस्पिरेशन कहते हैं, उससे हम ये जो बाकी का थोड़ा बहुत रह गया है आंख में जिसको हम कॉर्टिकल मैटर कहते हैं उसको अब हम निकाल रहे हैं। सो धीरे धीरे करके ये सारा साइड से ट्वीज आउट करके इसको अच्छे से साफ करना होता है। अब एक साइड का क्लियर हो गया है तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करूंगा हैंड्स अपने, क्योंकि राइट हैंड डोमिनेंट है तो राइट हाथ से हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इतना फाइन काम करना। एंड बाकी सब कॉर्टिकल मैटर को पकड़ के हमने एस्पिरेशन से सारा निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं अभी भी काफ़ी कुछ लेंस के कैप्सूल में चिपका हुआ है, और इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि यही डिफरेंस क्रिएट करता है 6-9 और 6-6 विजन। अब हम लेंस कैप्सूल की पॉलिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कैप्सूल को थोड़ा सा घिस के पॉलिश करा, एंड जितना ये मैक्सिमम निकल पा रहा है उसको सारा निकाल लिया। इसमें हमें ये भी समझना है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि ये कैप्सूल बहुत ही डेलिकेट होता है, हल्का सा भी हाथ इधर का उधर गया और कैप्सूल फट गया तो पेशेंट की आँख में लेंस डालना मुश्किल हो जाता है। एंड अब मैं एक और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से अंदर जाऊंगा, ऑलिव पॉलिशर, और ये सारा घिस के मैंने और अच्छे से इसको साफ कर लिया। बहुत अच्छा करा रहे हैं मैम, बस खत्म होने वाला है और 5 मिनट। एंड अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ हो गया है, कैप्सूल पॉलिश हो गया है। तो अब अगेन थोड़ा सा विस्को इलास्टिक से आंख का चैम्बर को मेंटेन कर लिया, भर दिया, और अब हम लेंस डालने के लिए रेडी हैं। मेरे को लोड करके देना, हाँ लोड कर। एंड बस आप ये देख रहे हैं ये विविटी लेंस है और ये फोल्ड होके आंख के अंदर चले जाता है, एंड आंख के अंदर जाके ये लेंस धीरे धीरे खुलना शुरू कर देता है। तो बस अब हम इस लेंस को अपनी जगह पर प्रॉपरली सेट कर देंगे। तो अगेन मैं दो इंस्ट्रूमेंट से गया, इनको हम लोग IA इंस्ट्रूमेंट्स, इरिगेशन एस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। एंड सबसे पहले लेंस के जो हैप्टिक्स हैं उनको प्रॉपरली खोल दिया, उनको प्रॉपरली अलाइन कर दिया। ये लेंस जो है ये कैप्सूल बैग के अंदर जाना चाहिए जहाँ से नेचुरल लेंस को हमने निकाला है। एंड अब जो छोटा मोटा आँख में रेमिनेंट्स रह गए हैं उनको भी हम साफ़ कर देंगे।
तो अच्छे से पहले ऊपर के सारे रेमिनेंट्स को क्लीन कर लिया और अब लेंस के नीचे जाके नीचे से सारे रेमिनेंट्स को क्लीन कर लिया और बस अब हमारी सर्जरी ख़त्म होने वाली है। सारा क्लीनिंग के बाद लेंस को एक बार अपने फाइनल पोजिशन पर अभी अलाइन कर दूँगा एंड काफ़ी हमारा क्लीन हो गया है। पेशेंट की बिल्कुल परफेक्ट विजन आनी चाहिए एंड पेशेंट ने वैसी बेस्ट लेंस चूज़ करा है विविटी लेंस, तो इसमें तो वैसी पेशेंट को बहुत एडवांटेज होने वाला है एंड लेंस को बिल्कुल सेंट्रल करके ये सर्जरी फिनिश। एंड अब जो हमने आँखों के पोर्ट्स बनाए थे, इन पोर्ट्स को सिर्फ पानी से हम लोग बंद करते थे, तो इस प्रोसीजर में किसी भी तरह का टांके का इस्तेमाल नहीं होता। एंड बस हो गया, ख़त्म हो गया, बस बस सामने देखेंगे। हाँ, एंड बस ये सर्जरी हमारी ख़त्म, बस पेशेंट का बहुत बढ़िया ऑपरेशन हो गया। ठीक है माता जी, हो गया आपका, मैम हो गया है, बस अब हिलेंगे नहीं, बस बंद कर रहा हूँ सब कुछ एंड थोड़ा सा एंड में मैंने एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डाल दिया ताकि आँख में किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो एंड इसी पोर्ट को हमने थोड़ा सा और सील कर दिया, बस सर्जरी ख़त्म। थोड़ा सा फाइन टचेस कर रहा हूँ ताकि लेंस की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट रहे सेंटर में एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। ये थोड़ा सा यहाँ पे और कर देता हूँ, थोड़ा सा हम प्रेशर चेक कर लेते हैं आंख का एक बार, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं इस ब्यूटी लेंस कितना सुंदर लग रहा है, ये रेड रिफ्लेक्शन में, रेड ग्लो में, रेट्रो इल्यूमिनेशन में। एंड आप देख सकते हैं इस लेंस के सेंटर में एक अलग सा प्लेटू है जिससे पेशेंट को इंटरमीडिएट एंड कुछ हद तक नियर विजन का एडवांटेज भी मिलेगा। बस सर्जरी कंप्लीट एंड बहुत बढ़िया हो गया मैम आपका, बस अभी उठा रहे हैं, हल्का सा मैं आँख को थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ, एक बार प्रेशर वेशर सब ठीक हो जाए। मेरा नाम योगेश है, लक्ष्मी नगर से आया हूँ और मेरा प्रॉपर्टी का काम है। तो 2 साल पहले इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी आईज में, इनको ना कैटरक्ट्स की प्रॉब्लम हो गई थी सफ़ेद मोतियाबिंद, तो इनको कुछ दिख नहीं रहा था प्रॉपर, जैसे सड़क पे चलते थे तो अजीब सा दिखता था, धुंधला धुंधला, पढ़ाने में बच्चे को दिक्कत हो रही थी और घर के काम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। 2 साल पहले हमको पता लगा हमारी आँख में प्रॉब्लम है, तो हमने चेकअप करवाया, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया था I7 से, उन्होंने बोलता बताया मेरे को कि बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है यहाँ, तो फिर मैं यहीं फिर मैंने दिखवाया, तो मैंने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया था फिर इसका 3 दिसंबर को। हमारा जो ऑपरेशन हुआ है ना आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से हुआ है, लेंस VVT लगा है, क्योंकि पिछला रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा और अब की तो मेरे को उससे भी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, तो इसलिए जो ये बता रही है कि अलग ही प्रोसीजर है पिछले वाले से, तो अब तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसको। RUSDRSZDHCKSDVETRDEDHKUP SHZKDUE वेरी गुड। सो आपको 2 दिन पहले सर्जरी जिस दिन हुआ था उस दिन आपका विजन यहाँ तक था, है ना, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ पा रहे थे, आज आप देखो बिल्कुल लास्ट लाइन तक पढ़ पा रहे हो, है ना। तो अभी एक ही दिन हुआ है, अभी और बेटर होगा विजन, इससे दवाई डालते रहोगे ना, अंदर से सूजन वगैरह है ना वो धीरे धीरे ठीक होते जाएगी और बेटर होते जाएगा आपका विजन। ठीक है, चिंता करो मत, आगे लगो।